तो बातें करना बड़ा आसान होता है। आप फ्रांस को तब बोलें कि फ्रांस हमारी बात मानो, जब आपको पता है कि फ्रांस आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, तब आप फ्रांस को जरूर बोलें। अरब्स जो है वो डिक्टेट कर पाते हैं चीजें क्योंकि उनके पास पैसा है। आपके पास क्या है ऐसा कि आपने, फिर जब उन्होंने सैंक्शंस लगाने की बारी की तो फिर क्या हुआ, आपकी लीडरशिप एकदम दे ऑल चिकन आउट। आप मुझे बताएं ये शैम जो है इस्लामोफोबिया का, इसके पीछे कब तक छुपते रहेंगे? चलो ट्रम्प बहुत बुरा है, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट है, क्या इमैनुअल मैक्रन भी क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, क्या जो बाइडेन भी क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, या कमला हैरिस भी इस्लामोफोब है? गाइस आर एनीवे सीजन लायर्स। आपने आज तक ये नहीं माना कि कसाब आपका है, उनका सुने घर दिखा सुने दिया मीडिया ने, उनके माँ बाप दिखा दिए, पर आपने आज तक नहीं मैडम, माना। मेरी पहली बात तो ये है कि मैं जो आपने मेरी बात की, मैंने ये कहा कि जो इंडियन अवाम है ना, इंडियन अवाम वो इसराइल की जो मदद कर रही है या सपोर्ट कर रही है, या उनके हक में जो इस वक्त ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे थे कि इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, द रीजन बिहाइंड वाज कि वो एक जो एक एंटी मुस्लिम थॉट थे ना, बेसिकली मैं वो बात कर रहा था कि स्टेट कुछ और सपोर्ट कर रही है, आप सोसाइटी मुझे कुछ सिर्फ और। एक्सप्लेन कर सुनो, दें, पाकिस्तान, मुझे व्हाई डज मुझे बात पाकिस्तान सुनो, स्टैंड मैंने फॉर दी? मुझे आप मुझे 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 सिर्फ काइंडली एक्सप्लेन कर दो। मुझे काइंडली मैडम एक सेकंड जरा बात कर लेने दीजिएगा। एक बात तो ये, मैं ये बात कर रहा था। दूसरा मैडम, जिना साहब ने कंट्रडिक्शन बात कर रही है, कुछ लोग वहां रह गए कुछ लोग यहाँ रह गए, लोगों की जैसे जैसे मर्जी थी, लोगों ने वो, देखिए जो वहां रह गए वो आज भुगत रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि काश हम चले जाते तो ये। सर ये सुने तो सही डॉक्यूमेंटेड मैडम, फैक्ट है, ये जिन्ना साहब के खुद के वर्ड्स है, दैट इफ सुने फॉर तो द सही सेक ऑफ 7 करोड़ मुस्लिम्स यू बी क्रश्ड, यू बेटर बी क्रश्ड। दीज आर हिज वर्ड्स। आई मैडम, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ हिस्ट्री। सी के अजीज इज योर नेशनल हु सेज दैट हिस्ट्री हैज बीन मर्डर्ड इन पाकिस्तान, ही इज नॉट एन देखिए इंडियन वो, नेशनल। अब देखिए आप डिबेट को बहुत आगे ले जाएंगी तो वो पिछली बातें तो वहीं रह गई। सो मैं चाहता हूँ एक एक बात, यू मैं आर सिर्फ कॉन्स्टेंटली रैंटिंग ऑन कश्मीर विदाउट एडमिटिंग द फैक्ट दैट यू वर एन ऑक्यूमेंट ऑक्यूपेंट इन कश्मीर एंड इंडिया वॉज एन एप्लीकेंट। आप चले उसको दोनों कहते हैं ग्लोबल मसला है, तो यूएन में भी तो इंडिया ले गया था ना, एप्लीकेंट लेके जाता है। अगर आप वहां पे अग्रीव पार्टी थे तो आप लेके जाते ना, आप यूएन में चले देखिए, जाते अपने पठान और अपनी आर्मी का वो मिक्सचर बना के, वो जो आपने भेजा है जो रायता बना के, वो भेजने के बजाय आप यूएन लेके चले जाते मसले को। बात थोड़ी आगे निकल गई है। मैं अगर ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है, आपने इतनी बातें कर दी हैं कि तो मैं किस किस को बात करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना मैडम कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे कोई एक कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रहा है, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से दबाया जा रहा है और उनसे हकूक छीने जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है वो कोई भी हो, फॉरगेट कोई भी हो, मेरा ख्याल उस पर बात करनी चाहिए। एंड यू आर एन एक्टिविस्ट एंड आई होप कि आप कभी आपको ना फिर कभी, बलोचिस्तान पे बात सुने करनी चाहिए, बिकॉज दिस होल सिनेरियो फिट्स द बेस्ट टू बलोचिस्तान, बट देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली यू गाइस आर सो बायस्ड, यू वुडंट वांट टू टॉक सुने मेरी अबाउट रीजन जहां पे एक्चुअली ये होता है। आप मुझे एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि बात तो आप कश्मीर होने में, नहीं मुझे देते बताएं मैडम। कौन, एक मिनट एक मिनट, आप मुझे बताएं कश्मीर में कौन सी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रही है, आप ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। मेरी मेरी पहली बात तो सुन लें, देखिए बलूचिस्तान की बात भी कर लें, सिंध की कर लें, पंजाब की कर लें, केपी की कर लें, जिसकी मर्जी कर लें, नो प्रॉब्लम। देखिए बात होनी चाहिए, अगर कहीं पे ज्यादती कुछ हो रहा है तो वो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैडम ये है जो समझने की है कि बलूचिस्तान हो या केपी हो, क्या ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? क्या अक्वामे मुत्तहिदा के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि जो आप ये कह रही हैं कि कश्मीर को बलूचिस्तान से मिला रही हैं? देखिए पूरी हमारे यहाँ पे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है, हमें पता है। अभी रिसेंटली जो आपका रेड कॉरिडोर है, वो आपके जो सरकारी लोग थे, आपके लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को दुनिया के सामने रिहा कर रहे थे, दैट वाज हैपनिंग। सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। मैं चाहता हूँ कि तो डिटेल आप की कह रहे हैं चीजें बलोच तो मैडम कहती है मैडम डिस्प्यूटेड है, बलोच तो कहती है ना, सुन अग्रीव पार्टी है वो तो लीजिए, कहती है, चले वी आर नॉट टॉकिंग टू द पाकिस्तानी स्टेट, बिकॉज़ यू गाइस आर एनीवे सीजन लायर्स। आपने आज तक ये नहीं माना कि कसाब आपका है, उनका सुने घर सुने दिखा दिया मीडिया ने, उनके माँ बाप दिखा दिए, पर आपने आज तक नहीं माना है मैडम, ना। आपकी आज आपकी सीज ने बात मान करने लिया, की बट आपने नहीं खूबसूरती है, माना। मैडम आपकी बात करने की खूबसूरती यह है कि आप एक पॉइंट अभी करेंगी तो तीसरी लाइन में एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। मैं अभी क्योंकि पिछले पे खड़ा होता हूँ। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। चले कश्मीर लेट्स को आप मूव इजराइल फॉरवर्ड के मसले से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैडम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनलेस यू रियली एक्सेप्ट दैट यू वर द ऑक्यूपेशनल फोर्स देयर, इट वाज पाकिस्तान विच अटैक्ड J&K। आप मुझे बताएं ना, क्या इंडिया पहले आया था वहां पे या पाकिस्तान आया था? आप मुझे बस इतना बता दें। मैं देखें, द पॉइंट नहीं इज नहीं नहीं के नहीं आप ऐसे नहीं सुने चलेगा कम से कम। सी आई डोंट वांट टू मुझे, बीट कीप बीटिंग अराउंड द बुश। आप मुझे प्लीज, मैं आपसे तीन चार शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे उसका आप जवाब दीजिए। आप मैंने मुझे इतने बताएं को कि क्या, मैंने आप मैंने मुझे ये देखिए बताएं कि क्या एस्पा आप कश्मीर में पहले लगा था या कश्मीरी पंडित का एक्सोडस पहले हुआ था? आप पहले देखें इस सवाल ये के जवाब।
हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये, आप और मैं इस पर डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप कुछ और कह सकती हैं, मैं कुछ और कह सकता हूं। क्यों नहीं जवाब दे रहे आप? यू कांट ऑलवेज प्ले द इंटरव्यूअर, यू नो यू कांट ऑलवेज प्ले दैट। आप और मैं हिस्टोरिकल जवाब दे दें टू मूव फॉरवर्ड। कश्मीरी पंडितों को पहले निकाला गया था या कश्मीर में एस्पा पहले लगा था, इन दोनों में से आप बता दें पहले क्या हुआ था? मैं समझता हूं कि ये आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को आज बीच में पकड़ के बात कर रही हैं। आप किसी भी चीज की देखना, अगर अगर तो कश्मीर की आप कर रहे हैं, ये एक्चुअली जब आप 4000 रॉकेट फेंकेंगे वो एक शुरली हो जाती है, वो छोटे छोटे रॉकेट हो जाते हैं, 5000 लोगों का आप एथनिक क्लेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, उनको अपरूट कर देंगे उनकी रूट से, तो ये बीच में कॉन्फ्लिक्ट का छोटा सा हिस्सा हो जाता है। एक्चुअली कमर साहब समझना चाहिए, अगर दुनिया भर में आज इतना इस्लामोफोबिया है ना, तो फिर आपको समझना चाहिए कि इट इज ऑल रूटेड इन योर डिनायल, एंड टिल द टाइम यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट लाइंस it will not be addressed, you cannot hide behind Islamophobia anymore. आप मुझे बताएं ये शैम जो है Islamophobia का, इसके पीछे कब तक छुपते रहेंगे? चलो ट्रंप बहुत बुरा है, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट है, क्या इमैनुअल मैक्रोन भी क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, क्या जो बाइडेन भी क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, या कमला हैरिस भी इस्लामोफोब है? अगर आपको हर दुनिया में हर मुल्क में पीपल आर ओनली फियरिंग मुस्लिम्स, इट्स टाइम मुस्लिम्स रियली इंट्रोस्पेक्ट दैट, यू कांट हाइड बिहाइंड दैट एनीमोर। अच्छा चले मैं इस पॉइंट को थोड़ा आगे आगे लेके चलता हूँ ताकि इस को थोड़ा मैं टर्न कर सकूँ। अच्छा ये बताएं कि ये यू आर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ योर स्टेट्स पॉलिसीज, अक्सर सुनते रहते हैं और आपकी बड़ी टफ लाइन है, ये जो रिसेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी जिसमें DGMO लेवल टॉक्स हुई, ये कहा जा रहा था इंटेलिजेंस लीडरशिप बातें कर रही है, do you find really hope at the end of the tunnel or do you believe that this is same rhetoric aur wahi chalega aur kuch hone wala nahi hai or do you believe ke the civilians are silent but the intelligence leadership on both the sides they are talking, so let the civilians only celebrate when the intelligence leaderships on both the sides, both the countries, they reach to the conclusions, do you find this situation which is developing, this is very positive and this has never happened in the past, ek naya trend hamare samne aa raha hai jisko bharat ki sarkar bhi support kar rahi hai और इससे पहले के अवाम जो है वो किसी किस्म की मुलाकातों देखे और शोर मचाए, जो बाकी लोग हैं वो बिहाइंड द कर्टन बैठ के कोई बड़े फैसले कर लें, एंड सो दैट एट द एंड ऑफ द डे बोथ द कंट्रीज फाइंड बेनिफिट आउट ऑफ दैट। देखिए पहले तो जो टॉक्स दोनों मुल्कों के बीच में जो डीरेल हुए थे या जो खत्म हुए थे वो पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। इंडिया ने ना तो ट्रेड बंद किया था ना तो टॉक्स बंद किए थे। ये पाकिस्तान का मौकफ था कि जब तक आप जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A है इसको आप अंडू नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का कीप की लाइन थी, ऑफिशियल लाइन थी। फिर हमने रिसेंटली सुना कि आपके जो आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, ही इज सेइंग दैट लेट्स पुट एवरीथिंग बिहाइंड एंड मूव ऑन, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी डज नॉट ओनली मीन सिक्योरिंग योर बॉर्डर्स एंड यू नो सिक्योरिंग योर और स्ट्रेंथनिंग योर आर्म्ड फोर्सेस, इट इज मच बियॉन्ड दैट। सो ऑफकोर्स दैट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट एंड इट वॉज वेलकम्ड इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव रियलाइज लॉन्ग अगो। यू कम यू अराइव्ड लेट, बट को कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। बट दिक्कत की बात यह है दैट यू नो यू गाइज हैव अ सीरियस प्रॉब्लम that your leadership and your military, your political leadership and your military leadership, they are hardly on the same page. On the other hand, in India, we've never seen a military coup. Hamare yahan pe jo political leadership kehti hai, wohi armed forces karti hai, wo apne decisions khud nahi lete hain. Jo Delhi kehta hai, wohi hota hai. Aapke wahan pe wo cheez nahi hoti. Recently, aap hi ke foreign minister, unhone keh diya ki, matlab, again, I seriously feel Pakistan is a land of contradictions, you know, kyunki aap har jagah aapko contradiction milegi. आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं कि ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसका इंटरनली भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनफैक्ट द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज व्हाट ही सेज ऑन एन इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, पहले तो आप ये चीज बताएं कि अगर आप ये चीज समझते ही थे तो आपने हमसे ट्रेड ही क्यों बंद किया इसी के बेसिस पे? आप खुद ही कहते हैं कि इंडिया का इंटरनल मैटर, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी चीज ये, आपने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हम तो 370 को मानते ही नहीं। देन व्हेन यू डोंट रियली फील दैट इट एग्जिस्ट्स और इट्स ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू यू, देन हाउ डज इट मैटर टू यू वेदर इट स्टेज और इट डजंट स्टे, इट शुड नॉट मैटर टू यू एट ऑल। तो देयर आर टू मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस। देन योर प्राइम मिनिस्टर एज द कॉमर्स मिनिस्टर, ही सेड ओके वी विल डू ट्रेड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ कॉटन और शुगर का ट्रेड शुरू कर देते हैं। दो दिन के बाद वो ही कुड नॉट गैदर द सपोर्ट एंड उन्होंने कह दिया जी हम नहीं करेंगे। तो इंडिया तो इस पूरे जो सर्कस है ना उसमें पार्टी नहीं है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं
कि हमारे जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस ही हो। आप देख लीजिए चाइना के साथ हमारे कितने भी इख्तलाफात हो, हमारे बॉर्डर पे कुछ भी हो रहा हो, हमने उनके साथ ट्रेड नहीं बंद किया है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसे हॉकिशनेस से नहीं चलती। इकोनॉमी जब आपको चलानी होती है तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत वो बहुत जी शऊर किस्म के लोग होते हैं जो इन सब चीजों को हैंडल करते हैं। वहां पे कोई गधे नहीं बिठाए होते हमने पाकिस्तान के। आप अपनी एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मतलब मैं हंसू या रोऊं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपके एक MNA, आई थिंक हिज नेम इज सैयद अहमद शाह, ही इज फ्रॉम PMLN, वो तो कोई PTI के भी नहीं है। वो असेंबली में बोलते हैं कि सैमुअल पैटी का जिसने कत्ल किया है, हमें तो उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना चाहिए। कोई बात नहीं जी, आप फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दो, हम अपना सब कुछ बेच बाट के फ्रांस का लोन दे देंगे। मतलब ये किस किस्म की बातें हैं? आप क्या इन लोगों को समझ में भी आता है दैट दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसी बात करेगा ना तो थप्पड़ खाएगा वो वहीं पे। कोई इस तरह की बातें करता भी नहीं है। फिर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, उसके बाद आपने क्या कर लिया फ्रांस का? फ्रांस ने जिस दिन EU ने रेजोल्यूशन लाया, वो जो GSP+ स्टेटस आपको मिला हुआ है, जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस का, पाकिस्तान में उसके लिए शोर मच गया। तो इसीलिए जब आप बोलते हैं ना, उसको पहले तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज के रेपरकशंस होते हैं। जब आप पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि हर एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। यू फर्स्ट, यू गाइज नीड टू कंसोलिडेट, यू नीड टू कम टू अ कंसेंसस, देन यू शुड अप्रोच इंडिया। वी आर अ थर्ड पार्टी फॉर यू, यू फर्स्ट शुड हैव अ कंसेंसस विद इन योरसेल्फ। हम क्या कर लेंगे? हमने आपके साथ तब भी ट्रेड नहीं खत्म किया। इनफैक्ट इंडिया ने आपको MFN दे रखा था, पाकिस्तान ने तो नहीं हमें MFN दिया, इंडिया ने दे रखा था ना। डिस्पाइट ऑल द पेंडिंग इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज, वी हैड गिवन पाकिस्तान द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। What did Pakistan do? ये बात ट्रेड आपने बंद किया, फिर आप ही ने बोला हम ट्रेड शुरू भी करेंगे, फिर आप ही ने बोला लेट्स लीव ऑल द इश्यूज बिहाइंड। तो इशू क्या है हमारे बीच में? कश्मीर का इशू है ना। जब आप व्हेन यू आर सेइंग लेट्स लीव ऑल द इश्यूज बिहाइंड, यू आर डेफिनेटली सेइंग लेट्स कीप कश्मीर बिहाइंड एंड मूव ऑन एंड देन वील एड्रेस इट लेटर। दैट्स वॉट माई अंडरस्टैंडिंग इज। बट इन अ फ्यू डेज यू से दैट नहीं। अब शाह महमूद कुरैशी ने एक दिन बोला कि ये उनका इंटरनल मैटर है, उसके बाद दो दिन बाद इमरान खान साहब कहते हैं दैट नथिंग टू डू विद कश्मीर कैन बी इंडियाज इंटरनल मैटर। सो दिस इज अ ग्रेट यू टर्न, सो यू शुड स्पीक टू द मास्टर ऑफ यू टर्न मिस्टर इमरान खान रादर देन इंडिया, बिकॉज वी आर नॉट अ स्टेक होल्डर हियर। फॉर अस ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन इफ यू डू ट्रेड विद यू, आर ओनली इंटरेस्ट विल बी द फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड द मॉनिटरी इंटरेस्ट। वी डोंट रियली गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ अस एंड व्हाट यू डोंट थिंक ऑफ अस। तो बातें करना बड़ा आसान होता है। आप फ्रांस को तब बोले कि फ्रांस हमारी बात मानो, जब आपको पता है कि फ्रांस आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, तब आप फ्रांस को जरूर बोले। अरब्स जो है वो डिक्टेट कर पाते हैं चीजें, क्योंकि उनके पास पैसा है। आपके पास क्या है ऐसा कि आपने फिर जब उन्होंने सैंक्शंस लगाने की बारी की तो फिर क्या हुआ? आपकी लीडरशिप एकदम दे ऑल चिकन आउट। सबसे ज्यादा जो शरीन मजारी और ये शेख किस्म के जो लोग हैं यही बातें करते हैं, सबसे बड़े हॉक्स यही हैं, और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी यही करने आ जाते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि आपकी बातों से मैं, ये जो आपने आखिर में कुछ बातें की हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हमें इस मटीरियल माइंडसेट से निकल के बहुत आगे की चीजें सोचनी है। जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे मिसाइल और तरह के बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा आगे जाके सोचना होगा और हमें ये हॉक्स जो है उनसे, इनके साय से बाहर निकलना होगा ताकि हम आगे की तरफ सोच सकें। और मैं इससे ज्यादा आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट एको द सेंटीमेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस? नो, we understand, the Indian government understands that diplomacy and foreign policy is put in place to achieve very very complex international agendas. You know, you cannot let your domestic politics interfere with it. And ek koi gali mein koi gunda khada hoke bolega na, jaise aapke yahan labak wale logon ne bola na ki jo inke safir ko nikale to ye kare wo kare, hum apna bech ke sab kuch kar denge, ab unko bolo aao, ये जो उन्होंने GSP plus का जो हमारा वो status remove करने वाले हैं, उसमें हमें billions का नुकसान होगा जो हमें duty free था, अब आओ आप ये नुकसान भरो, आप फिर देखो वो क्या बोलते हैं। दिक्कत ये है कि जब आप ये MNA बोल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ भी बोले, इट डजंट मैटर, बट योर मिनिस्टर्स, योर इलेक्टेड रेप्स शुड नॉट बी सेइंग इट, बिकॉज़ यू नो द वर्ल्ड लिसंस टू देम। True, I agree in चीजों में कि इलेक्टेड पीपल शुड बी मोर केयरफुल इन टॉकिंग।